गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज 11/11 पोर्टल है, राइट? तो 11/11 पोर्टल ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11/11 एक ट्विन नंबर है, एक मिरर नंबर है। तो ये पोर्टल ओपन होते ही एनर्जी का शिफ्टिंग होना चालू हो जाता है, ठीक है? तो जो लोग अपने ट्विन से इस 3D में सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर जो लोग एनर्जेटिकली अपने ट्विन की एनर्जी से बहुत दिनों से डिसकनेक्टेड फील कर रहे थे, आप लोगों की कम्युनिकेशन पक्का होने वाली है, ठीक है? अब कम्युनिकेशन मतलब आप ये मत सोचिए कि आपका जो पर्सन है उनकी तरफ से आपको कोई कॉल आएगा या फिर कोई मैसेज आएगा या फिर आप दोनों फिजिकली एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है? इस तरह की यूनियन, इस तरह की कम्युनिकेशन न्यूली अवेकेंड सोल्स के लिए पॉसिबल हो सकती है, बट जो हाईली अवेकेंड सोल्स है, आप लोगों की कम्युनिकेशन, आप लोगों की यूनियन 5D में एनर्जेटिकली होने वाली है, ओके? आप आपकी पर्सन को आपके ड्रीम में देख पाएंगे। आप अगर अपनी पर्सन की एनर्जी से बहुत दिनों से डिसकनेक्टेड फील कर रहे थे, उनकी एनर्जी को आप बहुत दिनों से महसूस नहीं कर पा रहे थे, फील नहीं कर पा रहे थे, तो इस 11/11 पोर्टल की एनर्जी आप दोनों की एनर्जी को फिर से कनेक्ट करने वाली है, कुछ न्यू फीलिंग्स एंड न्यू बिगनिंग के साथ, ठीक है? क्योंकि आप लोग 1/1 पोर्टल से लेके 11/11 पोर्टल तक पहुंच चुके हैं, तो यूनियन की करीब आप लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आपकी परमानेंट यूनियन होने में बस थोड़ा सा टाइम बचा है। मतलब आप अकेले इस जर्नी को, अपनी इंडिविजुअल जर्नी को 70-80% कंप्लीट कर चुके हैं, तो परमानेंट यूनियन में आने के लिए बस 20% इनर वर्क बाकी है। इसलिए आप देखिएगी आप आपकी इनर वर्क में कहाँ तक पहुँचे हैं, आपको और क्या क्या इनर वर्क करना है और क्या क्या हीलिंग करना है। आपके पास बस 1-2 साल या फिर 1-2 महीने का टाइम है, ओके? इस टाइम के अंदर आपको अपनी सारे कार्मिक अकाउंट्स को, सारे कर्मा बैगेजेस को, मतलब सारे इनर वर्क को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एंड खुद को एक प्योर एंड फ्री सोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? एंड देन आप और आपकी ट्विन, आप दोनों की कंबाइंड सोल पर्पस स्टार्ट होगी, ओके? एंड बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स है, जिन लोगों की कर्मा में अपनी ट्विन से शादी लिखा है, तो ये शादी आपकी 2025 में होने वाली है, ठीक है? बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की 3D मैरिज होने वाली है 2025 में। एंड जो लोग मैरिड है एंड आप अगर आपकी ट्विन से अभी सेपरेशन की फेज में गो थ्रू कर रहे हैं, तो आप लोगों की यूनियन भी 2025 में, मतलब अक्टूबर के टाइम होने वाली है, ठीक है? एंड ये होकर ही रहेगी, क्योंकि ये जो डाउनलोड है, ये जो चैनलिंग है, मुझे डायरेक्ट डिवाइन से रिसीव हुआ है, ठीक है? तो जिन लोगों को डिवाइन पे 100% भरोसा है, आप लोग मेरी बातों पे भरोसा कर सकते हैं, नहीं तो ये आपकी मर्जी है, ओके? एंड ये जो चैनलिंग है, ये 3D वाले लोग के लिए नहीं है, ठीक है? जो लोग किसी भी तरह की कार्मिक रिलेशनशिप में है या फिर कोई सोलमेट की रिलेशनशिप में है, तो ये चैनलिंग आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? और एक बात गाइस, जो डिवाइन सोल्स हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आपको इस वक्त 3D से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने वाले हैं। स्पेशली आपके कोई कार्मिक या फिर आपका डिवाइन मास्कुलाइन उनके पास्ट में जिन लड़कियों के साथ इन्वॉल्व थे, जिन लड़कियों को देख के आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रिगर आपको मिल रहा था, तो उन लोगों से आपको जितने भी सारे ट्रिगर्स इस वक्त मिल रहे हैं, आप अगर उन ट्रिगर्स को एक लेसन की तरह लेके खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं आप, तो आप इनर यूनियन में आ चुके हैं। तो इनर यूनियन में जब आप होते हैं, तो उसी टाइम डिवाइन आपका एक और टेस्ट भी लेता है। मतलब आप दोनों के बीच एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है, जिस इल्यूजन की वजह से आप फिर से अपनी ट्विन पे डाउट करना शुरू कर देते हैं, इस जर्नी को छोड़ के चले जाना चाहते हैं, डिवाइन पे भी आप गुस्सा करते हैं, ठीक है? बट आपको एक इनर नोइंग होता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप इस जर्नी को कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, इसे आप अच्छे से जानते हैं। तो उसी टाइम आप एक ऐसा लेसन को लर्न करते हैं जो इस जर्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आप इनर यूनियन में होने के बाद भी अपनी आउटर ट्विन को इस 3D में पूरी तरह लेट गो करना सीख जाते हैं। जब तक आप इस लेसन को पूरी तरह लर्न नहीं कर पाते हैं, तब तक आपका ये जो सेपरेशन है, ये चलता रहेगा, ठीक है? तो ये जो सेपरेशन है, ये आपकी लास्ट सेपरेशन होता है। इसलिए आप अगर इस सिचुएशन में है, मतलब आप इनर यूनियन में होने के बाद भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, आप इस जर्नी को छोड़ के जाना चाहते हैं, आपको डिवाइन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, आपको 3D वाले ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं,
तो आप समझ लीजिए कि ये डिवाइन का एक टेस्ट है जिसमें आपको पूरी तरह पास करना है, ठीक है। तो आप इस टाइम में डिटैचमेंट को अच्छे से लर्न करिए, तभी जाके आपकी परमानेंट यूनियन आपकी ट्विन के साथ इस 3D में पॉसिबल होगी, ओके। एंड इस 11-11 पोर्टल में आपकी डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी है वो इस 3D में आपने आपको पूरी तरह साइलेंट कर लिया है, बट एनर्जेटिकली अभी वो एक्शन के मोड में है क्योंकि उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, ओके। उनको भी इस जर्नी का कनेक्शन फील हो रही है। कुछ ऐसे डिवाइन मास्कुलिन है जो वापस कोई कार्मिक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं क्योंकि उनको इस वक्त बहुत पेन फील हो रहा है, ओके। क्योंकि आप दोनों की 3D कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद है एंड उनको अब आपकी रिलेटेड हर चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी सिंक्रोनिसिटी उनको हो रही है, आपकी यादें उनको अब बहुत ज़्यादा सता रही है एंड एक ज़बरदस्त फिजिकल अट्रैक्शन भी इस वक्त वो आपके साथ फील कर रहे हैं, आपकी पुरानी फ़ोटोज़ को देख के या फिर रिसेंटली उन्होंने आपकी कोई एक ऐसा पोस्ट को देखा है जिस पोस्ट को देख के वो मन ही मन यही सोच रहे हैं कि आप इतनी खूबसूरत कैसे हो गए हैं, ठीक है। तो एक फिजिकल अट्रैक्शन अब उनको हो रही है जिस अट्रैक्शन की वजह से वो बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं क्योंकि वो आपसे बात करने के लिए मन ही मन आपकी कॉल या फिर आपकी मैसेजेस को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट उनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं कर रही, इसलिए वो 3D वाली रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं क्योंकि पेन में रहना डिवाइन मास्कुलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। बट उनकी ये जो ख्वाहिश है कि वो थर्ड पार्टी में जाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, तो उनकी ये जो ख्वाहिश है ये डिवाइन कभी भी पूरा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप उनके लिए इतना डिवोटेड है एंड इस जर्नी को आप डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं, तो डिवाइन आपके डिवाइन मास्कुलिन को गलत रास्ता पर चलने नहीं देगा, ओके। उनको वापस आपके पास आना ही पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज, यही था 11-11 पोर्टल की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में आई है। आई होप ये एनर्जी अपडेट आप लोगों से रिजोनेट किया है एंड अगर ये एनर्जी अपडेट आपसे रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।